हेलो एवरीवन, वेलकम टू लो सब सुपर हैप्पीनेस। कैसे आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताना। मैं बिल्कुल भी ठीक ठाक हूँ। आज है मंडे, तो फिर से मैं जो जो रूटीन था वो स्टार्ट हो चुका है। काफी दिन हो गया है आते हुए, 5 6 7 दिन हो गया है आते हुए। तो बीच में दीपू और सोनाली आए थे घर पे, फ्राइडे को आए थे, वो लोग कल ही गए हैं। और कल मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रही थी, तो इस चैनल के लिए बिल्कुल भी मीन्स सोनाली का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई। अगर वो लोग नेक्स्ट वीक आते हैं तो आप लोगों के साथ सोनाली को जरूर मिलाऊंगी। तो ये कंप्लेन आप लोगों का बहुत ही जल्दी दूर होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं सोनाली के साथ क्यों नहीं मिलाती हूँ। इस तरह से कुछ बात नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो अभी नई नई आई है। एक लड़की अगर दूसरे जगह पे जाती है ना, तो उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ही, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो नए होता है, सारे जो जितना प्लेस होता है वो भी नई प्लेस होता है, सारा जो चीजें है वो अलग ही होता है। क्योंकि वो घर में, जिस घर में वो 20 25 साल तक बड़ी होती है, सडनली उसको चेंज करना पड़ता है, तो सारे जो चीजें है थोड़ी सी सी चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं भी उसको प्रेशराइज नहीं कर रही थी कि मेरे वीडियो में आ जाओ, आप लोगों के साथ हाय हेलो करो, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। बट फिर भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो आप लोगों के साथ नहीं मिला पा रही हूँ इस टाइम पर। बट नेक्स्ट टाइम जब आएगी, वो मेरे वीडियो देखती है, तो मैं उसको भी पक्का बताऊंगी कि नहीं, तू आके मेरे सब्सक्राइबर को हाय हेलो थोड़ा सा कर दे करके। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ पक्का मिलाऊंगी। तो टाइम हो रही है अभी 4:30 हो रही है, अभी रेडी होके दो दो वीडियो को कंप्लीट किया है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है 15 to 20 days हो गया है, मेरा काफी सारा जो काम है वो पेंडिंग हो चुका है। घर जब जाती हूँ ना, बहुत मन से बहुत खुश होके जाती हूँ, बट आने के टाइम पर मन इतना छोटा सा हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि जाने के बाद सबको अपने रूटीन को फॉलो करना होता है, सबको अपने काम पे जाना होगा, सबको आपको मीन्स जो एक स्ट्रगलिंग होता है ना, कि लाइफ के साथ कुछ कुछ चीजें जो है आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना होता है, यूट्यूब का काम, एंजल को भी ध्यान देना होता है, क्योंकि एंजल का भी ज्वाइनिंग होगा स्कूल में, तो हम लोगों को स्कूल जो है 2 3 देख रहे हैं। बहुत ही जल्दी ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि एंजल कौन सा स्कूल में जाएगी। तो यही पास में एक स्कूल है, देखते हैं उसका कितना फैसिलिटी है, जाके ही वहां पर पता चलेगा। तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, क्योंकि काफी सारा सब्सक्राइबर ने मुझे पूछ रहे थे कि अंजल को जब मैं स्कूल भेजना बात करती हूँ तो मेरे मन में क्या आता है। क्योंकि बहुत सारे तो लोगों ने मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैं एंजल को 1.5 साल में ही, सॉरी 2.5 साल में ही उसको स्कूल छोड़ दूं, बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स जो होता है 4 5 ईयर्स में स्कूल जाने देते थे, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करते हैं, जो कि उसका बचपन जल्दी छीन लेते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, और एंजल उस टाइम तक बहुत ही छोटी थी, इतना अच्छे से नहीं बोल पाती थी। अभी अगर मैं उसको स्कूल ना छोड़ू तो मेरा गलती होगा, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा बोलती है और बहुत ही ज्यादा इतना एक्टिव हो गए है कि अगर कोई भी नया लोग या कुछ भी चीजें जो है खाने के लिए देती है, तो मुझे आके सबसे पहली बात ये बोलती है कि मामा वो मुझे खाने के लिए दिया। तो वो हिंदी में तो नहीं बोलती है, बट हमारे लैंग्वेज में बोल देती है, तो मुझे भी समझ आता है कि हाँ, वो कोई आदमी या कोई औरत उसको खाने के लिए दे रही है, या कुछ उसके साथ कर रही है, क्या उसको मार रही है, पीट रही है, जो भी कर रही है वो मुझे सारे जो चीजें आके बताती है। अगर मैं प्ले एरिया में जाती हूँ ना, सारे जो बच्चे, जितना भी मींस जो नॉटी नॉटी बच्चे आजकल होते हैं, सारे जो जितना उसके बीच में जो झगड़ा फगड़ा होता है, सब आके मुझे बताती है। तो ये मुझे एक होता है ना कि तसल्ली रहती है कि चलो बच्ची अभी बड़ी हो गई है, अभी उसको स्कूल भेजना चाहिए। यही चीजों को मैं अभी वेट कर रही थी। तो वेट का जो मीन्स टाइमिंग था वो खत्म हो चुका है, अभी राइट टाइम है उसको स्कूल भेजने के लिए। तो जल्दी ही अंजल स्कूल जाएगी, आपको एक नई अंजल मिलेगी, क्योंकि अभी जो नटखटी अंजल मिल रही है ना, घर बैठे बोर हो रही है, वो तो बुरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर खेल कूद के आने के बाद, और हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्टली नर्सरी में देने के लिए, क्योंकि उसका जो एज ग्रुप के हिसाब से प्ले ग्रुप पे अगर हम लोग देंगे तो उसका जो एज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो सोच रहे हैं, देखते हैं जो लोग, उसका जो टीचर लोग हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को, उसका ग्रोथ देख के। बस अभी तक ये हम लोगों का लाइफ चल रहा है।
और आज पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है, वीडियो ऑलरेडी पब्लिश भी कर चुकी हूँ दूसरे चैनल के लिए। इस चैनल पे वीडियो जाएगा कल, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पब्लिश करने के लिए सोच रही हूँ। देखती हूँ मेरा मीन्स कितना दूर तक मैं काम को सक्सेस कर पाती हूँ। और अभी जो वीडियो बना रही थी वो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और जरूर जाके देख लेना। उससे पहले हो सके तो ये जो वीडियो था वो पब्लिश होगा, नहीं तो ये ब्लॉग पब्लिश होगा। टाइम हो रही है 6:30 हो रही है अभी। जस्ट मैं सारा जो घर को क्लीनिंग वगैरह करके आई हूँ, दियावती भी कर चुकी हूँ शाम का जो दियावती होता है। और आज का डिनर में बनाऊंगी मैं ये स्पैगेटी, इसको स्पैगेटी बोलते हैं या स्पैगेटी बोलते हैं आप ही बताना, व्हीट पास्ता है। तो ये आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ और ये मेरा सेकेंड टाइम होगा आई थिंक। पहले मैं बहुत पहले बना चुकी थी, अभी ये सेकेंड टाइम होगा। उसको अभी बॉईल करूंगी थोड़ा सा पानी और नमक के साथ। और अंजल भी यहाँ पर आ चुकी है। मम्मा से इसको इग्नोर करना क्योंकि ये गंदा पड़ा है। सारा कुकिंग खत्म होने के बाद मैं फिर से साफ करूंगी। ये काउंटर साफ कर चुकी थी सुबह ही, बट अभी दूसरे काउंटर पे थोड़ा सा बर्तन है उसको साफ करना है, बट अभी नहीं, डिनर के बाद ही बनाऊ मीन्स साफ करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग आजकल थोड़ा सा जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे। तो ये इतना ज्यादा मेरा ट्राइपॉड जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है, ठीक से ना नीचे मीन्स नहीं रहता है, उसका लेग पता नहीं क्या हो गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मेरी बर्तन में ही बनाऊंगी, इस तरह से कुछ खास नहीं है। तो देखते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए अंजल को थोड़ा सा राइम मीन्स बॉलीवुड का सॉन्ग आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, तो बिल्कुल भी राइम्स अभी नहीं दिखती है। अगर चलता है अभी बॉलीवुड सॉन्ग इसके ऊपर वो तो यहाँ पर जो नूडल्स के लिए यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले रही हूँ। ये एक्चुअली इंडियन बर्तन है, इस तरह से जो आपने देखा होगा कि ये जो स्पेगेटी के साथ तो वो लोग जो टमाटर को पीस के डालते हैं, बट तो मैं जिस तरह से वेजिटेबल नूडल्स हम लोग बनाते हैं बहुत सारा वेजिटेबल ऐड करके उसको ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल में 2 ग्रीन चिली को स्प्लिट करके डाला है, उसके बाद बहुत सारा प्याज यहाँ पर डाला है। और जब से प्याज का रेट कम हुआ है ना, 40 रुपीज़ आई थिंक बेंगलोर में है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या रेट है आप लोग जरूर बताना, क्योंकि ओनियन का जो इतना ज़्यादा हाई रेट चल रहा था ना, अभी जैसे कम हो गया ना, मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ डालती हूँ खाने में, जो जिस दिन तक इतना ज़्यादा नहीं हुआ था अभी खाके वो सब फुलफिल कर रही हूँ। और यहाँ पर टमाटर को पूरा चॉप करके कर रही हूँ, और एंजल आ चुकी है, इसको मुझे थोड़ा सा हेल्प करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुकिंग के टाइम पर वो भी मुझे बोलती है कि मामा मुझे भी कुक करना है, बट गैस के पास तो रह के काम करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो किचन टॉयस होता है सब कुछ सजा के मैं टीवी यूनिट के ऊपर रख देती हूँ, तो वो भी आराम से जो है कुकिंग कर लेती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओनियन जो है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे जो टमाटर को पीस के रखा था मीन्स कद्दूकस कर दिया था पूरा, जो चॉप से और भी थोड़ा सा ज़्यादा उसको चॉप कर लिया था उसको कर रही हूँ। और उसको फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा सॉसेस, और बीच में जो है मैंने बहुत सारा जो है वेजिटेबल डाला था। वेजिटेबल मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि मेरा क्लिप बहुत ही बुरी तरीके से कट हो गया था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कब वेजिटेबल को ऐड किया है और रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो वेजिटेबल में मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी, गाजर और कैप्सिकम लिया था। तो सारी सब्जी डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा नमक के साथ कुक कर लिया था। सब्जी जब थोड़ा सा मीन्स कुक हो जाए पूरा, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ कुक नहीं करना है, क्योंकि नूडल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेजिटेबल होता है वो 80% कुक होता है, 20% उसको कुक नहीं किया जाता है। जो क्रंचीनेस होता है वे नूडल्स में बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ सॉसेस डाल रही हूँ, सॉसेस में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पीरी पीरी सॉस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका जो तीखापन और खट्टापन होता है
है जो नूडल्स का फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है। साथ ही साथ यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटर की सॉस कलर के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर सोया सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो सॉसेस वगैरह भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ टमाटर की जो सॉस है उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है, और पीछे आप लोग देख सकते हैं एंजल क्या क्या उसका नटखटी मीन्स नटखट जो काम होता है ना, फ्रीज खोल के कुछ कुछ चीजें काट निकाल के बाहर रखती है, कुछ कुछ चीजें जो है अंदर घुसा देती है, पता नहीं सारे जो टॉयज वाला जो वेजिटेबल होता है उसको लेके फ्रीज में स्टोर करती है, फिर मुझे बाद में उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो उस टाइम पे अगर निकाल देती हूँ तो वो बहुत ज्यादा रोती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर दिखा कि मैं यहाँ पर नूडल्स को डायरेक्टली यहाँ पर छान के डाल रही हूँ, क्योंकि नूडल्स का जो नूडल्स जब हो जाता है ना, तो आपको पूरा उसको ठंडा नहीं करना है। ठंडा अगर आप कर देंगे तो नूडल्स जो है आपस में पूरा चिपकने लगता है और खिला खिला नहीं बनता है। तो जब तक आपका सॉसेस बनता है आपको धीमी आंच पे ही नूडल्स को कुक करना है, और डायरेक्टली छान के आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप खिला खिला नूडल्स आपको चाहिए तो एक बार अगर ठंडा हो जाता है तो एक बार ठंडा पानी से अगर आप वॉश भी कर लेते हैं मीन्स नूडल्स को अगर धो लेंगे तभी भी नूडल्स जो है खिला खिला बनता है। तो ये है मेरा आज का डिनर, जो कि ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो प्याज है उसको थोड़ा सा इस तरह से डाल दिया है, तो खाने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। रात का बज रहे हैं 10:45 हो रही है, एंजल यहाँ पर सो गई है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा स्किन केयर भी हो चुका है, फेस पे कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था, तो लिप बाम थोड़ा सा और एक बिंदी लगा लिया है, क्योंकि बिंदी लगा लेने से ना पूरा फेस का जो इनसे रौनक है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर कर लेती हूँ अभी, क्योंकि काफी सारा फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हाँ, मैं बता देती हूँ, वीडियो अभी कोशिश करूंगी कि रेगुलर पोस्ट करने के लिए, क्योंकि शादी के बाद ना इतना ज्यादा थकान सा हो गई है कि रूटीन में आने के लिए बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है। शादी अभी सडनली खत्म हो गया है तो बहुत ज्यादा मीन्स थोड़ा सा अजीब लग रही है, बट कोई बात नहीं, करना ही तो अपना काम ही है, जो भी हो जाए काम को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते है। तो क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले पहले बहुत सारे स्नैक्स हम लोगों ने लेके आए हैं, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ होम टाउन तो बहुत सारा स्नैक्स वगैरह लेके आती हूँ, और ये बैकग्राउंड में क्या करूं इस तरह से हो जाती हूँ। तो बहुत सारा कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ। तो ये एक पापड़ है, इस तरह से जो पापड़ होता है ऑयल में फ्राई करके मीन्स बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये, हम लोग इसको लिया पापड़ बोलते हैं। तो जो आता है ना कि बताशा, बताशा से ये बनता है, उसको पानी में भिगो के कुछ कुछ मिला के उसमें बनाया जाता है। और ये है अनरीसा, जो कि हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। उसके बाद कुछ मिठाई लेके आई थे, जो कि ऑलरेडी मैं कुछ कुछ लोगों को दे चुकी हूँ, और बाकी जो मिठाई है इतना ही बचा हुआ है। ये है मैसूर पाक, जो कि बहुत ही अच्छा मिलता है होम टाउन में, मैं इतना ज्यादा नहीं खाती हूँ इसको क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मीठा लगता है, तो हस्बैंड का ये फेवरेट है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मीन्स गए थे तभी मैं लेके आई थी, और इस बार भी हम लोगों ने लेके आए थे, ये पूरा भरा हुआ था तो इतना भी बाकी है, खत्म हो गया है सब। और वहां का विशाल मेरा फेवरेट प्लेस हो चुका है, मुझे पता नहीं है कि बेंगलोर में कहाँ विशाल है, तो इसकी वजह से विशाल से ये दो स्पैचुला लेके आई हूँ। एक केक कप स्टैंड भी है, जो कि मैं ऑलरेडी किचन में रख चुकी हूँ, हो सके तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये स्पैचुला जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ये आई थिंक ईच 59 रुपीज का कुछ है, और इस तरह से जो हैंडल होता है ये गर्म भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। इस तरह से जो होता है ना कि स्पैचुला मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पराठा वगैरह या नूडल्स वगैरह बनाने के लिए काम आएगा, और ये इस तरह से ही ले लिया। ये पता नहीं क्यों मैंने लिया, ये मेरे पास नहीं था, ये मेरे पास बहुत सारा है, पर फिर भी दो मैं जब भी जाती हूँ ना, दोनों
सेट करके लेके आती हूँ। वहां पर संडे मार्केट को गए थे क्योंकि मंथ के लास्ट पर होम टाउन में बहुत ही सुंदर सा एक मार्केट लगता है। वहां से बहुत सारे चीजें जो होता है ना, इस तरह से जो दुकान के बाहर वो लोग भेजते हैं, और जो भी प्राइस वगैरह होता है बहुत ही ज्यादा रिजनेबल होता है। बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर सा चीजें मिल जाता है, लटकन वगैरह, लेसेस वगैरह बहुत सुंदर सुंदर सा मिल जाता है। मैं सोच रही थी कि लटकन वगैरह लेके आऊंगी, बट आइडिया मन में कुछ नहीं था कि लाके करूंगी क्या। अभी सोच रही हूँ कि हाँ अगर ला देती तो कुछ ना कुछ तो काम में आ जाती, बट कोई बात नहीं, क्या करेंगे। तो ये एक झूमर सा लेके आए हैं, साउंड आप लोग सुन सकते हो कितना सुंदर सा है ये। हम लोगों ने अभी तो घर में टांगने के लिए सोच रहे हैं, बट कुछ दिनों के बाद मैं सोच रही हूँ कि जब मैं एक बालकनी को सजाऊं तो ये बालकनी सजाने के लिए काम आएगा। उसके बाद मैंने लिया है एक दुपट्टा, ये जो है ये ग्रे कलर का दुपट्टा है, सीमेंट कलर का, और इसमें इस तरह से लेस दिया गया है मोतियों का, बहुत सुंदर सा है। इस तरह से जो लेस होता है ना, आप मिक्स मैच करके कोई भी ड्रेस के ऊपर डाल सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो एक ले लेते हैं, मेरे पास गोल्डन है तो ये नहीं था, ये मुझे मिला सिर्फ 50 रुपीज में। 50 रुपीज में दुपट्टा आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर सा कलर था। अगर आपको कुछ पेयर करना है दुपट्टा के साथ तो आप वहां पर जाके ले सकते हो। जो भी मेरे ओडिया व्यूअर से अगर होम टाउन से मुझे देखते हैं तो प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिएगा वहां पर जो संडे मार्केट लगता है। तो ये दुपट्टा मैंने लिया है। उसके बाद एक ब्लाउज लिया है, ये है एक गोल्डन कलर का ब्लाउज, ये सिर्फ 100 रुपीज का है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। वहां पर बहुत ही अच्छा अच्छा कलर ऑप्शन भी था, ब्लैक था, सिल्वर था, सारे कलर का इस तरह से जो डिजाइनर ब्लाउज था। और ये एक राजस्थानी प्रिंट कुछ लिखा था वहां पर, तो ये रोड के साइड में ही बैठ के ये लोग भेजते हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बट थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं साइज मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसको फिटिंग करने के बाद ही मैं इसको पहन पाऊंगी। और बाकी एक ज्वेलरी लिया है, ज्वेलरी इन द सेंस मुझे ना इस तरह से जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आजकल तो पता नहीं गोल्ड का प्राइस कितना हो चुका है, तो गोल्ड का तो मैंने नहीं लिया। ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो कि इस तरह से डिजाइन में है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर इसका डिजाइन है, कितना सुंदर सा इसका जो पेंडेंट है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ये मुझे मिला 500 में, बहुत ही सुंदर सुंदर सा था। वहां पर बहुत जो टेम्पल डिजाइन आता है ना, कि जो गड्ढे सोके लकेट में होते हैं देवियों का जो काम होता है, बट मुझे इस तरह से जो डिजाइन है ये लॉकेट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर व्हाइट कलर का स्टोन है, यहाँ पर ग्रीन कलर का, और यहाँ पर मैरून कलर का स्टोन है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सा है ये। और नीचे जो है मोतियों का काम किया गया है, और इसका जो लुक आता है पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है। तो कभी कभी साड़ी के साथ जब यहाँ पर अपार्टमेंट में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो साड़ी वगैरह के साथ गोल्ड ज्वेलरी तो मेरे पास नहीं है अभी, सब कुछ मैं घर पे ही छोड़ के आई हूँ। तो कुछ एक ट्रेडिशनल सा लुक देने के लिए मैंने ये एक लेके आई हूँ, तो ये मुझे मिला है 500 रुपीज में। वहां पर बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा इयरिंग्स वगैरह भी है, बट इयरिंग्स तो मैं इतना ज्यादा नहीं पहनती हूँ, तो इसकी वजह से इयरिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। और वहां पर एक लेके आई हूँ ये चूड़ियां, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये चूड़ियां, ये है चूड़ियां, ये जो है ना ये प्लास्टिक का है, मीन्स नीचे वाला जो है ये प्लास्टिक का है, और ऊपर का इस तरह से स्टोन वर्क है, और मैचिंग करने के लिए साड़ी के साथ या अनारकली सूट के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये बिल्कुल भी कलर भी इसका नहीं जाता है, जिंक भी नहीं जाता है, आप लोग देख सकते हैं हाथों में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और इसका डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कलर वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर सा ऑप्शन था, ये सिर्फ 100 रुपीज का मुझे मिल गया है। ये एक ये जो है इस तरह से है, ये 6 पीस है, तो ये 100 रुपीज में था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा हो रही है क्योंकि मेरा जो है साइज 2-4 है और ये 2-6 है, तो कोई बात नहीं पहन लेंगे कभी कभी, ये तो डेली वेयर में कुछ भी काम नहीं आएगा। और एक मेरे मासी के घर गई थी तो मासी ने ये चूड़ी मुझे दिए है। एक्चुअली हम लोग के साइड में देते हैं जब मीन्स जब भी कोई भी
लड़की सुहागन लड़की घर में जाती है, खाना खाती है, तो उसको साड़ी वगैरह चूड़ियां वगैरह देते हैं। तो साड़ी के लिए हमेशा मासी जो है मुझे पैसे दे देते हैं, साड़ी या ड्रेस मीन्स खरीदने के लिए, बट चूड़ी वो हमेशा देते हैं। तो ये इस बार चूड़ी दिया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये इस ऐसे मोतियों का काम किया गया है, और मोती जो है ना थोड़ा सा गोल्डन कलर का मोती है, तो ये किसी भी ड्रेस के ऊपर अच्छे से जाएगा, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी ये एक चार मैंने चूड़ी लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये चार चूड़ी लिया है, ये है सिर्फ 15 रुपीज का, 4 पीस है ये। ये प्लेन में है, इस तरह से मैंने जो अभी पहना है ना, ये एक्चुअली माता रानी के पास मैंने चढ़ाया था। इस तरह से जो मोटे मोटे चूड़िया होता है ना, मुझे डेली वेयर में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका मेरून कलर मेरे पास नहीं था, तो मेरून कलर लेके आई हूँ। ये कुछ भी पूजा वगैरह नहीं हुआ है, इस तरह से मैं लेके आई हूँ इस डेली बेसिस में पहनने के लिए। और ये जो दो है ये ऑलरेडी पूजा हो चुका है, तो ये है रेड कलर का, 4 पीस, और मेरून कलर का जो है 4 पीस लेके आई थी। डेली बेसिस में अगर इसके साथ अगर आप ये भी नहीं पहनते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों के साइड में जो भी हो जाए चूड़िया जो है कंपलसरी होता है। आप कुछ पहनो या ना पहनो, चूड़िया और मांग भी जो ये सिंदूर होता है ना कंपलसरी होता है। आप बिंदी को स्किप कर सकते हो, बट चूड़िया और जो सिंदूर को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और जो पैरों में बिछुआ होता है ना वो हम लोग पहनते हैं, तो जो रिंग टॉय रिंग होता है वो हम लोग पहनते हैं। तो बस ये था मेरा शॉपिंग जो भी मैंने होम टाउन से खरीदा है। अभी जाऊंगी, हस्बैंड बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि सोना नहीं है क्या, सोना नहीं है क्या, अभी सो जाऊंगी। बट कुछ रिप्लाई मीन्स कमेंट का रिप्लाई मुझे देना है, क्योंकि काफी सारे कमेंट पड़ा हुआ है। मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि रिप्लाई करने के लिए, बट नहीं हो पाता है, तो अभी रिप्लाई करूंगी बैठ के। और सो चलिए बाद में मिलती हूँ, और बाद में इन द सेंस कल ही मिलती हूँ, कल एक नया वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट।